नमस्कार हम प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, शानदार होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप ये डिसाइड कर पाओगे कि आपको किस विश्वविद्यालय में जाना चाहिए, क्योंकि आपके पास अभी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। भाई आपको तो ये च्वाइस दी ही नहीं गई कि आप इस यूनिवर्सिटी में जाओ। मैक्सिमम बच्चों ने कम से कम तो मुझे लग रहा है 5-6 यूनिवर्सिटी चूज कराए। अब उस 5-6 यूनिवर्सिटीज को चूज करने के क्या क्राइटेरिया होने चाहिए, आखिर आप क्या डिसाइड करोगे, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनको ध्यान देने के बाद आपको उस यूनिवर्सिटी में प्रिफरेंस भरना है। ध्यान देना है कि जब काउंसलिंग शुरू होगा तो आपको यूनिवर्सिटी के प्रिफरेंसेज मिलेंगे, यानी प्रिफरेंसेज इन द सेंस कि कोई एक गेटवे से नहीं मिलेगा, लेकिन आपके पास ऑप्शंस तो होंगे ना कि हाँ डीयू में भी करा रहे हो, जेएमआई में भी करा रहे हो, जेएनयू में करा रहे हो, इलाहाबाद में करा रहे हो, डीए में, बीएचयू में करा रहे हो। तो भाई आप किसी एक यूनिवर्सिटी में ही जाके पढ़ोगे, ऐसा नहीं है कि एक लड़का 5 यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा। इसलिए मैं बार बार एक बात और बोलता रहता हूं कि आप लोग प्लीज काउंसलिंग के लास्ट तक बने रहना, बीएचयू पाठशाला की इस काउंसलिंग मिशन काउंसलिंग 2022 सीयूटी यूजी के मिशन का हिस्सा बने। बीएचयू पाठशाला के 100 वीडियो आने वाले हैं और इस 100 वीडियोज में आपको बीएचयू पाठशाला को 100K तक भी पहुंचाना है। तो ठीक है, मैं आपको एक बार स्लाइड्स वो दिखा देता हूं आराम से, जिससे आपको पता चल जाएगी क्या आपको मैं ओवरव्यू देने वाला हूं। ठीक है, क्योंकि एक एक पॉइंट्स को फिर समझाऊंगा। ये चीज समझ में आ गया, समझ में आ रहा होगा कि क्या चीज डिस्कस होने वाला है। बहुत ही शानदार चीज है, ध्यान देना, एक एक पॉइंट्स को दिमाग में बैठाना है, क्योंकि आज आपका यहां से भविष्य तय होगा। ये मैं नहीं तय करूंगा, ये आप खुद तय करोगे। आपको डिसाइड करना है कि आपको किस यूनिवर्सिटी में जाना है और क्यों जाना है। देखो एक बात मैं आपको आज बता देना चाहता हूं, बता ही देता हूं, यहाँ पे डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लो, फैकल्टी ज्वाइन कर लो, फिर उसके आने के बाद मटर गश्ती खुली सड़क पे, अगर ऐसा करना हो तो मुझे लग रहा है आप बीएचयू का किसी यूनिवर्सिटी में आने की आवश्यकता नहीं है। जब मैंने दाखिला लिया था तो मेरे साथ लगभग 700 बच्चों ने दाखिला लिया था। मैं बता रहा हूँ कि लगभग 100 बच्चों की एग्जिस्टेंस उसके बाद बनी रही, 600 बच्चों का कोई पता नहीं चला। अब आने वाले साल दो साल में उस 100 बच्चों में भी किसकी एग्जिस्टेंस बनेगी, ये हम नहीं डिसाइड कर सकते। एक्चुअली हम ही डिसाइड कर सकते हैं इंडिविजुअल रूप में, लेकिन उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। यानी बस एडमिशन ले लेना आपके साथ न्याय नहीं है। खुद के साथ न्याय करना चाहते हो तो आपको कम से कम इतना पता होना चाहिए कि एडमिशन के बाद क्या करना है, वही आज मैं आपको समझाने आया हूं। ठीक है, उसके बाद तो यहां पर ओवरऑल समझ में आ गया, सीयूटी काउंसलिंग 2022 यूनिवर्सिटी कैसे चूज करे, यूनिवर्सिटी चूज करने के क्या फैक्टर होने चाहिए उसको आपको ध्यान से देना। पहले पॉइंट यहां पे जो पहला पॉइंट डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी चूजन फैक्टर होने चाहिए वो लगभग 3 होने चाहिए। पहला क्या है, नेटिव यूनिवर्सिटी। नेटिव यूनिवर्सिटी क्या होते हैं, यानी ऐसी यूनिवर्सिटी जो आपके आसपास हो। आपको ध्यान देना है कि आप अपने घर के ज्यादा दूर ना जाएं। ठीक है, बाकी आपकी च्वाइसेज हैं दूर जाके पढ़ने का, तो नो डाउट आप जाके पढ़ सकते हो, लेकिन आपकी प्रेफरेंसेज होने चाहिए कि नेटिव यूनिवर्सिटी पे पहला प्रेफरेंस दो, बाकी के फैक्टर इस पे फुलफिल होने चाहिए, मैं आपको डिसाइड कराऊंगा अभी। फिर आपका सेकंड है ड्रीम यूनिवर्सिटी, ये इसकी कहानी तो अलग ही है। ये लोग स्टेटस पे लगाते हैं और इसका अपडेट वर्जन फिर यूपीएससी तक चला जाता है, सफर ए बीएचयू, फिर उसका सफर ए बीएचयू टू यूपीएससी। तो ध्यान देना, मैं आपको स्टार्टिंग में बताया कि डिपार्टमेंट या फैकल्टी ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे बस ऐसे मुंह बना के बैठे मत रहना, क्योंकि कहानी उसके बाद शुरू होती है। कहानी ये तो बस आपका पहला चैप्टर है, और जैसा कि यहाँ पे धोखे में लोग बैठे हुए हैं और ये वीडियो अगर उनके तक जाते हैं तो मुझे लग रहा है वो समझ पाएंगे। ठीक है, वो मेरे को उल्लू नहीं बना रहे या अपने प्रोफेसर को उल्लू नहीं बना रहे, वो खुद को उल्लू बना रहे हैं यार। फालतू दूसरों की सीट लेके इससे चाहे एडमिशन मत लो, साला दूसरे को यार सीट दो जो पढ़ना चाहता है। फालतू एडमिशन ले लेते हो और उसके बाद मैं देखता हूं कि कुछ और ही चल रहा है, हरियाली देख रहे हो या कुछ और ही चलता है, मैं कैसे बताऊं। तो प्लीज एकदम एम फिक्स्ड होना चाहिए, पता होना चाहिए कि एडमिशन क्यों ले रहे हो उस यूनिवर्सिटी में। मैं क्या बोल रहा हूं फिर से सुनो, पता होना चाहिए कि क्यों आ रहे हो। अगर ये नहीं पता है तो फिर एडमिशन मत लेना। ठीक है, मैं मुस्कुराहट में मत जाना, मैं सीरियस बात बता रहा हूँ, बात अलग है कि मुझे पता नहीं क्यों हंसी आ रही है। उसके बाद यहाँ पे कोर्स वाइज यूनिवर्सिटी, यानी आपकी जो यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी में आपके कोर्स की अवेलेबिलिटी है कि नहीं, यानी उस यूनिवर्सिटी में आप जो कोर्स पढ़ना चाहते हो वो उपलब्ध है कि नहीं। जैसे अब मान लो किसी को एक्टिंग करना है, अब एक्टिंग हर यूनिवर्सिटी में अवेलेबल नहीं है, तो आपको ये भी डिसाइड करना है कि जिस कोर्स में आप जाना चाहते हो वो यूनिवर्सिटी में हो और वो यूनिवर्सिटी उस कोर्स के लिए जाना जाए। जैसे आपको अब स्कूल ऑफ कॉमर्स दिल्ली है तो वो कॉमर्स के लिए बहुत फेमस है। अब बाकी जगहों पे प्रायोरिटी मत देखो, आप हमेशा उसको प्रायोरिटी दो।
ठीक है, उसके बाद आप नीचे आना, ये मैं बोल रहा हूँ, समझ में आया। अब जैसे कि किसी को इंग्लिश ऑनर्स करना है तो आप देखोगे इंग्लिश ऑनर्स की सबसे बेस्ट क्वालिटी की यूनिवर्सिटी कौन है, जिसकी बहुत अच्छे सिलेक्शन हो, प्लेसमेंट हो, आगे मैं डिस्कस करूंगा उसको, ठीक है। तो ये तीनों क्राइटेरिया के बाद यहाँ पे ध्यान देना है कि उस यूनिवर्सिटी की फीस, कमिंग वीडियो में दे रहा हूँ फीस पे, नेक्स्ट वीडियो ही है फीस पे, ध्यान देना आपके उस यूनिवर्सिटी में फीस कितना लगता है। क्योंकि आप देखो ये जरूर ध्यान देना कि आपकी फैमिली, अपने फैमिली पे ज़्यादा प्रेशर मत डालना, ठीक है। हमेशा ध्यान दो कि अपनी फैमिली, आपकी फैमिली आपको अफोर्ड कर सके। अब आप 60-70 लाख 2 लाख का कोर्स ले लो, फिर वही वाली कहानी, आने के बाद पढ़ाई करनी नहीं है तो भाई वो फीस पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे यार, तो ऐसा नहीं करना है। ये भी ध्यान देना कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप भी मिलता है, अगर आप कॉमेंट करोगे तो मैं बता दूंगा कि स्कॉलरशिप कैसे लेते हैं। सिटी यानी जिस भी इन तीन वैरायटीज को फॉलो करते हुए, तीन फैक्टर को फॉलो करते हुए यूनिवर्सिटी में जाते हो, उसकी वो शहर कैसा है, यानी आप जैसे कि स्पिरिचुअल एंड मॉडर्न सिटी वाराणसी आते हो, ठीक है, अपने आप में आध्यात्मिक शहर है, शांत है, बढ़िया है, अफोर्डेबल है। इलाहाबाद जाते हो, अपने आप में वो भी एक पहले से हिस्टोरिकल ऐतिहासिक शहर है, गंगा के किनारे है, संगम के पे बसा हुआ है। तो इस तरीके से आप ना उसको गूगल करके देखो उस शहर के बारे में कि वो शहर कैसा है, ठीक है। और लास्ट में है स्टडी, मेन पॉइंट्स है स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से, वहां का शहर, वो यूनिवर्सिटी कैसा है, ठीक है। उसके बाद यहां पे हम लोग आते हैं, ये पूरा आपका जीवन है। एक बार मैं बीच में खड़ा हो जाता हूं और वो बढ़िया वाला पोस्ट देता हूं, एक्चुअली ये आपका जीवन है। जितने भी पॉइंट्स मैंने स्क्रीन पर लिख रखे हैं वो डिसाइड करता है कि आप आगे क्या बनने वाले हो। यदि आप नहीं भूलते हो तब वही वाली बात ध्यान रखना, ये वीडियो मैं आपके दिमाग में डाल रहा हूं यार, प्लीज आप एक सीट अगर लेते हो तो अपने पीछे कई हजार बच्चों को पीछे छोड़ के लेते हो। तो आप बस अगर अपना भविष्य बर्बाद करोगे ना तो अकेले बर्बाद नहीं करोगे, आप अपने साथ उन हजार बच्चों का भविष्य बर्बाद करोगे। और लड़कियां खासकर, लड़कियों को मौका मिलता नहीं घर से निकलने का, अगर आप बाहर निकल के पढ़ाई करते हो तो अपने पीछे एक लंबी कतार छोड़ के आते हो। तो आप जब यहां पे आओ तो एक मिसाल कायम करो कि उन लड़कियों को, या आने वाले समय में जब आप कुछ बन जाओ तो उन लड़कियों को या उनकी जनरेशन को आप मौका दो कि वो बाहर आए और फिर उस फैसिलिटी का फायदा उठाए और फिर ये चैन चलता रहे, फिर वो किसी दूसरे को ऐसा ऑप्शन दे, ठीक है। कैंपस यानी जिस भी आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हो उसका कैंपस टूर आप यूट्यूब पे सर्च करके देखो, ठीक है, जिससे आपको आइडिया लगे कोई यूनिवर्सिटी कैसा है। उसके रिव्यूज लो, उसके शॉर्ट वीडियोस देखो। उस कैंपस के बाद आपका प्लेसमेंट, यानी आप यूनिवर्सिटी में, जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, जिस कोर्स में जा रहे हो, उस कोर्स की प्लेसमेंट कैसे हैं, उसमें गवर्नमेंट के क्या अप्रोच हैं, प्राइवेट सेक्टर के कितने, आप ध्यान देना इन सभी का डेटा पता कहाँ मिलेगा। सपोज कि आपने प्लेसमेंट के लिए इलाहाबाद चूज किया तो इलाहाबाद के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ, वहाँ पर प्लेसमेंट सेल बना हुआ है, लिखा हुआ है, आप उसको ओपन करो, देखो वहाँ पर कौन कौन से प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं वो वहाँ पर अपने लिंक करके रखे हुए हैं कि हाँ हम ईयरली यहाँ विजिट करते हैं, हम बच्चों को प्लेसमेंट देते हैं। उसी तरीके से BHU, आप ट्विटर पर जाओ, वहाँ पर देखो प्लेसमेंट सेल, BHU प्लेसमेंट सेल ट्विटर हैंडल है, वहां पे देखो आराम से पूरा का पूरा डिटेलिंग है कि उनके हर महीने कौन कहां से प्लेसमेंट होता है, कौन कंपनी आती है, किस डिपार्टमेंट में आती है, किस बच्चे को ले गए, ये तमाम चीजें वहां पे डिटेलिंग रहती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट दोनों सेक्टर्स को आप लोग देखना। स्टडी इन्वायरमेंट जिसमें स्टूडेंट्स रिव्यू और प्रोफेसर, इन दोनों की लिस्टिंग देखना, आपके पास ऑलरेडी प्रोफेसर की लिस्ट अवेलेबल होते हैं, आप उस यूनिवर्सिटी में जाओ वहां पर प्रोफेसर लिस्ट ओपन करो, आपको पता चल जाएगा यहां पर ये प्रोफेसर पढ़ाते हैं। स्टूडेंट रिव्यू के लिए आप लोग YouTube का सहारा लीजिए और आप ये देखो कि आपके उस यूनिवर्सिटी में बच्चों का क्या रिव्यू है कैंपस को लेके, ठीक है। अब बात आती है सेफ्टी। सेफ्टी से पहले आप ध्यान देना, इसी में सिलेबस भी आपको देखना है, वो सिलेबस क्यों मैटर करता है नेक्स्ट स्लाइड पे मैं समझाने वाला हूं। सेफ्टी की बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा हो जाता है सेफ्टी के लिए लड़कियों के लिए, विशेष सेफ्टी की बात की जाती है, यानी आप स्टेशन से कितने दूर हो, आपको ट्रैवल करने में यूनिवर्सिटी के बीच में जो समय है वो कितना लगने वाला है, हर छोटी चीजों को ध्यान देना, यानी आपका शहर अगर अच्छा है तो आप रात में भी ट्रैवल कर सकते हो। तो ये आप देखो कि उस शहर का सेफ्टी रेटिंग क्या है, ठीक है, उस शहर के क्या रिव्यूज हैं, लास्ट 5 ईयर में वहां पे किस तरीके के केसेस देखने को मिले, तो आप उस हिसाब से अंदाजा लगा पाओगे कि हाँ वो शहर गर्ल्स, और अच्छा ध्यान देना है ये लड़कियों के, लड़कों की भी सेफ्टी की बात कर लेता हूं, तो ऐसा नहीं है कि लड़के के साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकते, तो प्लीज लड़के भी अपने सेफ्टी को देख लें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यहां पर, वो है व्हाट यू वॉन्ट टू अचीव फ्रॉम दिस कोर्सेज।
यानी आप जिस भी कोर्स में जा रहे हो या किस भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, आप उसमें क्या प्राप्त करना चाहते हो, आपका गोल क्या है, आपका एम क्या है, ये आपको नहीं भूलना है, ठीक है। उसमें सबसे पहले, जैसे आप लोग आज तो सबसे बड़ा एम हो जाता है कि हमें यूपीएससी करना है, और मुझे लगता है ना कि यूपीएससी छोटा एम लेके आना भी मत, क्योंकि अगर इससे छोटा लेके आओगे तो कुछ भी नहीं बनोगे, कम से कम ये लेकर आओगे तो कुछ बन जाओगे नीचे वाला। तो ये वाला है टॉप फाइव पे रखना, या दूसरा कोई एम रखते हो तो फुल फोकस और कंसंट्रेट रखना। वो बाकी जैसे हमने बताया, एग्जाम्पल दिया कि एडमिशन ले लेते हैं और फिर छक मारते हैं, उनकी तरह नहीं बनना है यार, ठीक है। फिर इसके बाद है वन डे एग्जाम। यूपीएससी का एम लेकर आना तो यूनिवर्सिटी का रिव्यू जरूर देखना, कि क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटी जितनी भी आपको मिलेंगी सब के सब रेगुलर होंगे, यानी आपको रेगुलर क्लास करना पड़ेगा। तो ऐसे में आप देखो कि आप कोचिंग भी करना चाहते हो, तो कोचिंग के लिए आपको यूनिवर्सिटी से टाइम निकालना पड़ेगा, तो उस शहर में वो कोचिंग अवेलेबल है कि नहीं। अगर आप ऑनलाइन कोचिंग करना चाहते हो तो कोई भी यूनिवर्सिटी ले लो, फिर ऑनलाइन स्टडी कर लेना, उस यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स कैसे हैं, ये तमाम चीज़ें आपको यूपीएससी के लिए देखना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी की स्टार्टिंग पढ़ाई कम से कम आपको यूपीएससी की तैयारी कैसे करें इसका मैं सेपरेट वीडियो ऑलरेडी दे रखा हूँ, ठीक है, उसको देख लेना। तो यूपीएससी के लिए एटलीस्ट स्टार्टिंग फेज में 6 महीने भले मत पढ़ना, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आपको ग्रेजुअली आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे, 4 घंटे फिर 6 घंटे फिर 8 घंटे, तो ये आपके एक स्पीड होनी चाहिए जिससे कि एक साल का गैप लेके आप आराम से अच्छा सा स्कोर कर सको इसमें। वन डे एग्जाम्स जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, एनटीपीसी हो गया, इन सभी जॉब में अगर आपको जाना है तो इसके लिए भी आप बहुत सारे यूनिवर्सिटी जैसे कि इलाहाबाद अपने आप में बहुत बड़ा बहुत फेमस शहर है, क्योंकि प्रिपरेशन यहाँ बहुत अच्छी हो जाती है, यहाँ पे हर कोचिंग की अवेलेबिलिटी है, लेकिन आजकल ऑनलाइन हो गया है तो आप लोग बाकी यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू भी देख सकते हो, वहाँ भी वन डे एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हो। टीचिंग एंड रिसर्च प्रोफेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो टीचिंग में जाना चाहते हैं या रिसर्च यानी पीएचडी करना चाहते हैं, तो आपको नेट जेआरएफ देना पड़ेगा, नेट जेआरएफ के बाद आप पीएचडी कर सकते हो, और उसके बाद आप टीचर या प्रोफेसर बन सकते हो, या बहुत सारे लोग बीएड भी कर सकते हैं, ठीक है, यूजी करने के बाद। और लड़कियों का ये सबसे पसंदीदा चॉइस मुझे भी होता है, मुझे लगता है। तो ऐसे में आप देखो कि आप जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो उसके में टीचिंग अप्रोच कैसा है। ये तमाम बातें अगर नहीं समझ में आएगी ना, तो मेरे से अगर आप आंख बंद करके पूछोगे सर आप ही बता दो 10-15 यूनिवर्सिटी की लिस्ट जिसमें हम लोग दाखिला ले लें, कि हाँ ये यूनिवर्सिटी इसके लिए फेमस है, यूनिवर्सिटी इसके लिए फेमस है, तो मैं वो आपका हेल्प कर दूंगा, लेकिन आप मुझे बोलोगे तब, ठीक है, क्योंकि फ्री में तो मैं नहीं करने वाला इतना सारा कुछ तो कर ही रहा हूं यार, प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, आप तो सब्सक्राइब कर दो, इतनी बातें समझाया मैं। उसके बाद यहां है प्रोफेशनल कोर्सेज, ध्यान देना कि आप, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कोर्सेज जो प्रोफेशनल कोर्सेज में आते हैं, जैसे कि मान लो आपके विवोक, जैसे कि आपका BA LLB, तो आपको ठीक है इन कोर्सेज के थ्रू आपको प्लेसमेंट लेना है, तो उस प्लेसमेंट का उस यूनिवर्सिटी में क्या रोल है, तो ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने आपको जितने भी डाउट्स थे आई होप कि क्लियर करा, होपफुली आपको ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। जो अभी इसके बाद 2 वीडियो जा रहे हैं वो मिशन काउंसलिंग 2022 CUT UG के अंतर्गत में आ रहा है, और वो है BHU की फीस एंड सीट्स। सो प्लीज उस वीडियो को पूरा देखिएगा, और इस वीडियो को आपने पूरा देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुस्कुराते रहिए, BHU पाठशाला हर एक वीडियो देखते रहिए, और लास्ट में जो आपके लिए सेंटेंस है वो यही है, आप ये मत भूलना कि यूनिवर्सिटी में आखिर एडमिशन ले क्यों रहे हो, ये आप मत भूलना। मुस्कुराते रहिए।